हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने इसके 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ नीचे कुछ टर्म्स आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये टर्म्स कुछ लिखी गई हैं, तो आपको इसमें जो लाइक टर्म्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखना है, जो अनलाइक टर्म है, या अलियाँ कह सकते हैं कि हमने पेयर बनाने हैं लाइक टर्म्स के अलग अलग। क्लियर? तो जैसे हम फर्स्ट टर्म यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर ना लिखना शुरू कर देंगे साथ के साथ ही, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने ये राइट डाउन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हो जाता है हमारा वाई एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर था, ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर है, नो। तो देन अगेन देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर आ गया। तो हमने क्या कहा था आपको कि जब हम भी बात करते हैं लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स की हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको चेकआउट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर था, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर में राइट डाउन किया। तो यहाँ पे देखो टू के साथ मल्टीपल में क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर, तो ये इसके साथ में आ जाएगा। तो ये हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 2xy स्क्वेयर। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद देखें कोई और आता है जो एक्स वाई स्क्वेयर की फॉर्म में है, ये वाई की फॉर्म में नहीं आएगा। 11x स्क्वेयर, नो। ये भी एक्स की फॉर्म में है, वाई एक्स नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर वाई, लेकिन हमें एक्स वाई स्क्वेयर चाहिए, यानी यहाँ पे सिंगल एक्स होना चाहिए था। ये भी नहीं आएगा, दिस वन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्लियर? तो ये हमारा वन पेयर बन गया। अभी वो सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। तो ये हम दो यूज़ कर चुके हैं, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे -4yx स्क्वेयर। अब हमने वो टर्म्स लेनी है जो वाई एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में है। अब ये तो नहीं होगी। क्लियर? अब देखो चेकआउट कर लेते हैं हम एक्स स्क्वेयर वाई। अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज की हुई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीपल में है। मल्टीपल में हम वाई एक्स स्क्वेयर लिखें या एक्स वाई स्क्वेयर लिखें, मीनिंग एक ही हो जाए। एक्स स्क्वेयर वाई लिखें, मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड टर्म क्या है, 20x स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते हैं अगेन, बाकी हम भी नहीं होंगी, तो ये भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हमें जो नेक्स्ट टर्म राइट करने में ईजी हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम 8x स्क्वेयर। क्लियर? जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है ना, सम आता है, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है ताकि कोई भी रह ना जाए टर्म। 8x स्क्वेयर आ गया आपका। नेक्स्ट देखो 7y नहीं आएगा, 11x स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11x स्क्वेयर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये देखो अगेन आ गई एक और, ये क्या आ जाएगी, -k6x स्क्वेयर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, कोई भी नहीं है, तो अब इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हम इन्हें रिपीट ना करें। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं कौन सी है, 7y। क्लियर? राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 7y, यानी एक ही वेरिएबल है वाई। अब नेक्स्ट ये भी एक्स की फॉर्म में है, 11yx, ये नहीं आएगा। तो ये आ गया अकेला वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। 2xy और 3x ये नहीं आएगा, तो हम वाई से वाई भी कट कर लेते हैं ताकि हम इन्हें रिपीट ना करें। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा आपका -k100x। -k100x, अब देखना है कि एक्स के टर्म में कौन कौन सी हैं। तो ये वाई एक्स की फॉर्म में है, ये एक्स वाई की फॉर्म में है, ये 3x आ जाएगी। तो सेकेंड क्या हो जाएगी आपकी इसकी, 3x। नेक्स्ट लास्ट वन हमारी रहेगी, इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 11-11yx। अब वाई एक्स की फॉर्म में देखना, सिंगल ही टर्म बाकी है, और एक्स वाई लिखूँ या वाई एक्स लिखूँ, मीनिंग सेम ही है। तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी इसकी, यानी ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को। क्लियर? तो ये हमने ज्वाइन कर लिया इनको, जो मतलब कि जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ राइट डाउन कर लिया। इसी पे बेस्ड इसका पार्ट बी है, इसमें भी आपने सेम ही करना है। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट से लिखते हुए चलेंगे, ये हमारा 10PQ आ गया। क्लियर? अब फाइंड आउट करेंगे इसके रिलेटेड बिल्कुल सेम कोई और टर्म है या नहीं। पी की फॉर्म में है, क्यू की फॉर्म में, पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर नहीं, क्यू पी देखो मिल गया। पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें, मीनिंग सेम ही है, क्योंकि आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो सेकेंड टर्म क्या आ गया, -7QP। नेक्स्ट देखते हैं क्यू है, 23 सिंपल है, क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर, पी क्यू पी, अगेन क्यू पी मिल गया आपको। देखो यहाँ पे तो कोमल का, यहाँ पे कहेंगे 78QP। अब पी स्क्वेयर क्यू, क्यू पी स्क्वेयर, तो ये हमारी कैंसिल आउट कर देते हैं टर्म्स, 1, 2, हमने कितनी लिखी हैं, 3। तो ये 3 टर्म्स। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं हम क्या है, 7P। क्लियर? 7P ये क्यू की फॉर्म में है, पी हमने लिए है, प्योर क्यू है, पी स्क्वेयर क्यू है, ये आ गया क्यू। क्लियर? 7P चाहिए हमें, तो पी की फॉर्म चाहिए, तो पी हमारा ये पी स्क्वेयर आ गया, ये 41, ये पी आ गया आपका। देखो 24, ये 2405, तो 2405 यहाँ पे क्या आ गया, पी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी टर्म है ऐसी, कोई भी नहीं है, तो हम इनको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है आपकी 8Q।
एट क्यू की बात करें तो क्यू की टर्म्स आएंगे सारी की सारी, क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस हंड्रेड क्यू आया था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या माइनस हंड्रेड क्यू ले लिया हमने। देन चेकआउट कर लेंगे नेक्स्ट वन, क्यू की फॉर्म में कोई भी टर्म नहीं है, सो ये दो टर्म्स ही हो जाएंगे, तो ये क्यू की टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे ताकि हमने इन्हें दोबारा रिपीट ना करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब हमने इस टर्म को फाइंड आउट करना है जिनका वेरिएबल ये हो। पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की फॉर्म में देखिए कौन सी टर्म है, ये देखो क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लिखें या क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर लिखें, मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्वेल्व क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर। नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं, पी स्क्वेयर क्यू क्यू पी स्क्वेयर हमारा क्या है, क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर दोनों हैं, तो ये भी नहीं आएंगे, तो ये दो टर्म्स हो जाएंगे इसके, इनको भी कैंसिल आउट कर देते हैं आपस में। नेक्स्ट आ जाता है आपका माइनस ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री का मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सिंपल चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए, फोर्टी वन आ जाएगी इसके साथ, क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है कौन, कोई भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में भी कैंसिल आउट हम कर देंगे। नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं, माइनस फाइव पी स्क्वेयर, तो माइनस फाइव पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर की फॉर्म चाहिए हमें, या पी स्क्वेयर क्यों है, क्यों पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवन हंड्रेड एंड वन पी स्क्वेयर, क्लियर। अब ये सेवन हंड्रेड वन पी स्क्वेयर से हम ये पी स्क्वेयर कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि रिपीट ना हो। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे क्या बचती है, थर्टीन पी स्क्वेयर क्यू एंड क्यू पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इंटू में क्यू लिखें या क्यू इंटू में पी स्क्वेयर लिखें, मीनिंग सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू पी स्क्वेयर, तो ये भी आपस में क्या होगी कैंसिल आउट होगी। तो ये जो हमारा आंसर आया ये क्या हो जाएगा कि सारे के सारी जो हमने लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर दिया, ठीक है, इनके यानी हमने पेयर बना दिया, जैसे भी हमने इसको अलग कर दिया, क्लियर। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जो आपकी एक्सरसाइज है 12.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।